Hi friends, I am Dr. Gaurav Gupta and I am your personal child specialist. Today, I am going to be talking about diet and jaundice. Abhi kuch din pehle mere paas ek bachcha aaya jisko acute viral hepatitis tha. So this is the commonest cause of jaundice in children. Jo bachche ek saal se bade hain unke andar jaundice ka common cause India ke andar, it is because of dirty food or dirty water. Iski wajah se unhe commonly हेपेटाइटिस ए की इंफेक्शन हो जाती है, स्पेशली अगर वैक्सीन ना लगी हो. सो बिकॉज द गवर्नमेंट सेक्टर डजंट गिव दिस वैक्सीन, सम चिल्ड्रन एंड अप मिसिंग दिस वैक्सीन. सो बच्चा हमारे पास आया है एंड वी हैव गिवन सपोर्टिव थेरेपी. द टिपिकल क्वेश्चन दैट पेरेंट्स हैव, इसकी बच्चे को डाइट क्या देनी चाहिए. सो आई थॉट लेट मी शेयर द एक्सपीरियंसेस विच आई नॉर्मली टेल टू पेरेंट्स हियर एंड होपफुली वो आप सबको भी बेनिफिट करेंगे. सो this is the diet recommended in jaundice ek saal se bade bacche ke andar, which is because of viral infection. The first and the most important thing is please bahar ka khana avoid kare. Ji ha, this specifically means jo ganne ka juice hame dene ka shauk hai wo bacche ko mat dein, because infection ka risk bad sakta hai. Aapke liver mein, bacche ke liver mein already there is a swelling, and agar usme koi bhi aur infection ho, that can cause life-threatening problems. So bahar ka khana, no, at least for a couple of months. The other thing is, jaundice ke andar bhook bilkul mar jati hai. The child refuses to eat, and in fact, they end up losing a few kilos of weight. So jab bachcha bilkul nahi kha raha, to hume kya karna hai? Agar aap zabardasti khilayenge, immediately bachcha vomit kar deta hai. So the best thing is to give small and frequent meals. Thoda thoda khilaiye, aur एक एक दो दो घंटे के अंदर बच्चे को पूछते रहिए कि थोड़ा बहुत खाओगे कि नहीं. द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट गेटिंग बैक द एपेटाइट इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी इन अ चाइल्ड विद जॉन्डिस. अगर बच्चे को भूख लगनी शुरू हुई, अगर बच्चे की एक्टिविटी बढ़नी शुरू हुई, मोस्ट लाइकली आपका बच्चा बेटर हो रहा है. एंड इन वायरल हेपेटाइटिस दिस कैन टेक अराउंड 1 to 2 weeks. ओके, कोई बहुत स्पेशल डाइट नहीं रिकमेंडेड है जॉन्डिस के अंदर. So, जो रेगुलर डाइट है, अगर आप साथ में जो फोटो देखेंगे, सो वी डिवाइड द प्लेट इनटू 4 parts, और 1/4 डाइट जो है वो सीरियल्स की होनी चाहिए, यानी कि चावल हो गया, रोटी हो गया, दैट इज सीरियल्स. 1/4 पार्ट प्रोटीन्स होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ दाल, पल्सेस का मतलब है राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, एंड ऑफकोर्स अगर आप लोग थोड़ा बहुत नॉन वेज लेते हैं तो यू कैन डेफिनेटली टेक दैट ऑल्सो इन not very fried form but steamed or grilled form. And half of the food should be in the form of fresh fruits and vegetables. So this is an important component because iske andar vitamins hai, iske andar minerals hai, aur ye light hai, to bacche ko isko kha ke nausea bhi nahi hoga, vomiting bhi nahi hogi. Fluids should be given in good quantity taki bacche ke andar jo bhi toxins ban rahe hain, jo bacche ke andar disease hai, bimari hai, wo jaldi se jaldi relieve ho sake. अवॉइड क्या करना है. सो अवॉइड थिंग्स विच आर हैवी फॉर द चाइल्ड. सो फ्राइड चीजें हैं, फैटी चीजें हैं, तली हुई चीजें, ये बच्चों में अवॉइड करनी जरूरी है, बिकॉज इससे एसिडिटी बढ़ेगी, इससे नौजिया बढ़ेगा, एंड ऑफकोर्स ऐसे मैंने आपको बताया कि बाहर की चीजें अवॉइड करनी भी जरूरी है. बिफोर आई एंड, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो वॉट आर द वार्निंग साइंस. कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इन चीजों के अंदर हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ये बच्चे को हो जाएगा तो बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, दाखिले की जरूरत पड़ सकती है. सो अगर बच्चे को ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, नाक से ब्लड आ रहा है, लेटरिन पेशाब में, स्टूल यूरिन में ब्लड आ रहा है, दैट इज अ वार्निंग साइन. अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्लीपी हो जाता है, या बहुत ज्यादा बड़बड़ाने लगता है, या बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, दैट मे सजेस्ट कि बच्चे की जो लिवर की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है. And you need to go back to your doctor. So, अगर बच्चा repeatedly vomiting कर रहा है, या बच्चे को high grade fever हो जाता है, all of this means there's some sort of a complication, and you must get back to your pediatrician. Last but not the least, vaccines का जरूर ध्यान रखें. I always keep on telling parents, please याद रखें, government की vaccines बहुत अच्छी हैं, they are very good, but they are not complete. So, at least 4 vaccines I know which we recommend for every child जो government of India आज की डेट में नहीं दे रही है. What are those vaccines?
टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए जो हम जॉन्डिस की बात कर रहे हैं, चिकन पॉक्स एंड मम्प्स, ये चार वैक्सीन अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर लें। अगर आप ये वैक्सीन लेंगे तो बच्चों को जॉन्डिस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट जॉन्डिस। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर डालिएगा। एज इंपॉर्टेंटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज वट एवर वीडियोज आई मेक इमीडिएटली दे विल गो टू यू एंड आई ऑल्सो फील हैप्पी टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू। मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आई एम योर पर्सनल चाइल्ड स्पेशलिस्ट कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मोहाली पंजाब इंडिया। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, ओह देयर आर अ फ्यू कमेंट्स। ओके, सो एटीट्यूड रॉक्स इज सेइंग इतना इंपॉर्टेंट लेसन और कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे रैंडमली आया। सो थैंक यू एटीट्यूड रॉक्स, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव कम एंड यू वॉन्ट टू यू नो चेक दिस आउट एंड आई एम हैप्पी कि आप आए हो। आई वुड लव फॉर यू टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ताकि अगली बार और ज्यादा लोग आए। बाकी यूट्यूब पे वीडियो जरूर रहेगा, सो एनी टाइम एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू हैव अ लुक दे कैन चेक आउट द चैनल। बहुत सारे और इस टाइप की वीडियोज हैं और आगे भी बनते रहेंगे, so please check out Charak Clinics, which is this channel. I also have a podcast by the name of Your Personal Child Specialist. So wo English mein hai and that's meant for pediatricians as well as for parents. So thank you, Attitude Rocks. I hope to see you soon again. Bye.